हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कच्ची बिरयानी बना रही हूँ मेरे स्टाइल में। तो इसमें क्या क्या जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये आधा किलो चिकन ली हूँ और ये चिकन में क्या क्या मसाला जाता है ये मैं आपको बता रही हूँ। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दही 3 चम्मच, लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा, आप जितना तीखा खाते हैं उतना। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से, 1 गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। ये सबको मैं मिक्स करूंगी। 2 चम्मच ऑयल, 1/2 किलो है, 1/2 किलो के हिसाब से मैं बना रही हूँ। हरा धनिया 1 मुट्ठी, थोड़ा सा पुदीना है जिसको मैंने सुखा दी हूँ, सुखा कर डाल रही हूँ। आपके पास गीला है, फ्रेश वाला ताजा है वो भी डाल सकते हैं। और ये तला हुआ प्याज, कच्ची बिरयानी है इसके लिए सब एक साथ में डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिला रही हूँ। अब इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख रही हूँ। मैंने 1/2 किलो चिकन ली थी और 1/2 किलो मैंने राइस ली हूँ, बासमती राइस से 1/2 किलो ली हूँ। और इसके अंदर दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, 3-4 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, और ये एक फूल है, फूल को मैंने तोड़ दी हूँ, और ये जीरा, ये सबको मैं चावल में डाल रही हूँ। अभी मैं स्टोव चालू कर रही हूँ। इसको पूरी तरह से नहीं पकाना है, 2 बॉयल लेना है, सिर्फ 2 बॉयल बस। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालिए। और इसको मैं थोड़ा बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। इसको ज्यादा बॉईल नहीं करना है, कच्ची बिरयानी बनाना है इसके लिए ज्यादा इसको बॉईल करने की जरूरत नहीं है। 1/2 कच्चे चावल रखने हैं इसे, पूरी तरह से नहीं पकाना। इसमें 2 बॉईल आ चुका है और ये चावल 1/2 कच्चे है, पूरी तरह से नहीं पके, 1/2 कच्चे है। ये देखिए, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। चिकन मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखी थी, ये हो गया। आप ओवरनाइट भी करके रख सकते हो। अभी मैं इसके अंदर राइस डालूंगी। ये देखिए, इस तरह से पूरे राइस को डालना है। ये मैंने थोड़ा 1/2 राइस डाली हूँ और अभी कोथमीर और तला हुआ प्याज ये डाल रही हूँ। जो मैंने प्याज, ये तला हुआ प्याज मैंने घर में ऑलरेडी तल के रखी थी। अभी इसके ऊपर वापस से मैं राइस डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा बहुत पानी रहेगा तो चलेगा। चावल मैंने पूरी तरह से डाल दी हूँ। अभी ये कोथमीर डाल रही हूँ, सारी कोथमीर उसके ऊपर बिछा रही हूँ चावल के ऊपर। और ये प्याज भी मैं डाल रही हूँ पूरी तरह से। थोड़ा सा सूखा पुदीना वो भी डाल रही हूँ और ऊपर से घी डाल रही हूँ। और ये थोड़े से काजू है, आप
ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए। और ऊपर से थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल रही हूँ। इसमें मैं केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। केवड़ा एसेंस ऐसे ही नहीं डालना है, इसको पानी में डाल के मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ दो ड्रॉप डाली हूँ। और कॉटन का गीला कपड़ा, कॉटन का कोई भी गीला कपड़ा आपके पास होगा तो आप डालिए और उसको कवर कर दीजिए अच्छे से, इसका भाप बाहर नहीं जाना चाहिए। अब मैं स्लो आंच पे, देखिए एकदम स्लो आंच है, उसके ऊपर ये बिरयानी रख रही हूँ। कहीं से भी ये इसका गैस बाहर आना नहीं चाहिए। और इसको मैं ऊपर से कोई भी हैवी चीज आप रख दीजिए ताकि वो अंदर ही वो दम में पके। 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए और इसको स्टोव बंद करने के बाद इसको ऐसे ही रखिए, जब खाना होगा तब सर्व करना। बन के रेडी हो चुकी है, अभी मैं इसको खोल कर देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ। ये देखिए बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। चावल भी पूरी तरह से पक गया है और मसाला भी हो चुका है, अभी मैं आपको सर्व करके। अच्छी बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है, आप बनाइए खाइए, कैसा लगता है मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।